हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया हम पढ़ रहे थे आपके एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर इलेवन एरिया एंड इट्स बाउंड्री जिसमें हमने पार्ट वन वीडियो में बहुत सारे फॉर्मूले आपके एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड बेसिक्स को अच्छे से कवर किया है और स्टार्टिंग के टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है हमने अपना पार्ट वन वीडियो इस पेज पे खत्म किया था चलिए आगे पढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर बी पढ़ना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है थिन वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ लॉन्ग दिया है लॉन्ग हमेशा लेंथ होता है 20 सेंटीमीटर लंबे एक वायर को फोल्ड करके इसने रेक्टेंगल बना लिया है समझ रहे हैं आप एक बड़ा सा लंबा सा रेक्टेंगल है जो एक वायर से बना हुआ है और वो वायर कितना लंबा था 20 सेंटीमीटर अगर ये रेक्टेंगल को हम खोल देंगे एक लंबा सा वायर बना देंगे तो वो 20 सेंटीमीटर का होगा इसी को फोल्ड करके रेक्टेंगल बना देंगे तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर का क्या बनेगा पेरीमीटर बनेगा अब हमें पूछ रहे हैं इफ द विथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज फोर सेंटीमीटर विथ क्या होता है साइड होता है अगर ये जो साइड है ये फोर सेंटीमीटर का है देन वॉट इज द लेंथ हमें इस वायर का लेंथ पूछ रहे हैं तो हमारे पास दो साइड का मेजरमेंट है ये तो फोर है ही ये जो साइड होगा ये भी फोर होगा क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं अब ट्वेंटी में से अगर हम फोर माइनस कर देंगे ये वाला फोर भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास लेंथ का मेजरमेंट आएगा टू टाइम्स लेंथ का मेजरमेंट तो हम लेंथ को आराम से निकाल सकते हैं लेट्स राइट आवर स्टेटमेंट

20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू टू टाइम्स लेंथ प्लस टू मल्टीप्लाई बाई फोर सेंटीमीटर तो अगर मैं आपको पूछूं फाइव इज इक्वल टू थ्री प्लस कितना तो ये कितना निकालने के लिए हम क्या करते हैं ये थ्री को लेफ्ट साइड में लाके के फाइव माइनस थ्री करते हैं और तब हमारे पास टू आंसर आ जाता है है ना तो वही हम कुछ यहाँ पे भी यहाँ पे भी करने वाले हैं और वो ऐसे कि हम इस एट सेंटीमीटर को इधर लेफ्ट साइड में ले आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू से तो हमारे पास टू टाइम्स लेंथ आ जाएगा सो टू टाइम्स लेंथ इज इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर माइनस एट सेंटीमीटर ट्वेंटी माइनस एट इज ट्वेल्व सेंटीमीटर यानी कि ये जो ऊपर वाला लेंथ और नीचे वाला लेंथ इन दोनों को ऐड करने से टू टाइम्स करने से तब हमारे पास ट्वेल्व आएगा टू टाइम्स अगर ट्वेल्व है तो वन टाइम कितना है मतलब कि लेंथ लेंथ हम कैसे निकालेंगे इस ट्वेल्व को हम टू से डिवाइड ही कर देंगे तभी तो हमारे पास वन टाइम का लेंथ आएगा टू वन ज़ा टू टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व मतलब कि ये जो लेंथ आया वो सिक्स सेंटीमीटर आंसर द लेंथ ऑफ दिस वायर इज सिक्स सेंटीमीटर आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि मैंने कैसे इस आंसर को निकाला लेंथ ऑफ वन साइड इज 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई टू एंड दैट इज वाई लेंथ ऑफ वन साइड इज सिक्स सेंटीमीटर आंसर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अस्क्वाड हैज अ पेरीमीटर ऑफ perimeter of 320 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्ड्स पिकअप कीजिए स्क्वायर है ये एक स्क्वायर कैरम बोर्ड है इसके चारों साइड्स इक्वल हैं इसका जो पेरीमीटर है वो 320 हंड्रेड ट्वेंटी सेंटीमीटर इसका एरिया पूछ रहे हैं अब एरिया का फॉर्मूला तो कितना ईजी है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ लेकिन पेरीमीटर से हमें पहले लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लेंथ कितना है उसके बाद ब्रेथ निकालना पड़ेगा कि ब्रेथ कितना है उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल सकते हैं सो लेट्स राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कैरम बोर्ड इज 320 सेंटीमीटर ये हमारे पास गिवेन इंफॉर्मेशन फार्मूला क्या है हमारा एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाई साइड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज स्क् मल्टीप्लाई बाई साइड अब सबसे पहले हम साइड निकालेंगे साइड मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर ही है कोई भी चलिए निकालते हैं हम कैसे निकालेंगे वही सेम मेथड पेरीमीटर को डिवाइड कर देंगे फोर से साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई फोर इंफॉर्मेशन पुटअप करते हैं पेरीमीटर कितना है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सेंटीमीटर ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में इसको हमें डिवाइड करना है फोर से सो लेट्स डू द डिविजन थ्री हंड्रेड ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फोर थ्री फोर एट ज़ा थर्टी टू और ये वाला जीरो चला जाएगा ऊपर सो दैट मीन्स फोर वन ज़ा फोर फोर एट ज़ा थर्टी टू हमारा साइड एक साइड कैरम बोर्ड का कितना आया एट्टी सेंटीमीटर आया सेंटीमीटर दिया हुआ है इसलिए एट्टी सेंटीमीटर अब ये तो एक साइड है एरिया हम कैसे निकालेंगे साइड मल्टीप्लाई बाई साइड यानी कि हमें एट्टी को और एट्टी से मल्टीप्लाई करना है सो लेट्स राइट द फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू एट्टी सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई एट्टी सेंटीमीटर अब इसका एट एट जिक्सटी फोर और साइड में दो ज़ीरो हैं इसीलिए दो ज़ीरो सो अवर एरिया इज सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर दिस इज योर एंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इ हाउ मेनी टाइल्स लाइक दिवन हेयर विल फिट इन दाइट डिजाइन यहाँ पे ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है कितने ट्राइंगल्स को मिला के ये पूरा वाइट डिजाइन बनता है सो लेट्स काउंट वन टू थ्री फोर और इस स्क्वायर को अगर हम आधा आधा कट कर लेंगे तो फाइव एंड सिक्स सो वी कैन से दैट सिक्स ट्राइंगल्स लाइक दिस विल फिट इन द्विट डिजाइन एंड वॉट इज द एरिया ऑफ दिस डिजाइन देखिए द ट्रेंगल इज हाफ ऑफ द स्क्वाटीमीटर अगर ये जो स्क्वायर है इसका एरिया वन स्क्वायर सेंटीमीटर है तो ट्रेंगल है आधा ट्रेंगल इज द हाफ ऑफ द स्क्वायर तो ट्रेंगल का एरिया कितना होगा हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर तो पूरे डिजाइन का एरिया कितना होगा अगर हम सिर्फ स्क्वायर का नंबर फाइंड आउट कर लेंगे तो उतने ही स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया होगा सो काउंट विथ मी यहाँ पे ये वन स्क्वायर ये वाला और ये वाला मिला के बन गया दूसरा वाला स्क्वायर ये वाला और ये वाला मिला के बना गया तीसरा स्क्वायर सो द एरिया इज थ्री स्क्वायर सेंटीमीटर नो मेक योर ओन डिज़ाइन ऑफ एरिया फोर एंड सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर हमें एक ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिसमें टोटल फोर स्क्वायर्स होंगे और फिर टोटल सिक्स स्क्वायर्स होंगे तो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन बनाया है मैंने इसका स्क्वायर काउंट कीजिए दिस इज स्क्वायर वन स्क्वायर टू ये वाला है स्क्वायर थ्री ये वाला आधा और ये वाला आधा ट्राइंगल मिला के स्क्वायर फोर तो, तो टोटल फोर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया वाला डिजाइन हमने यहाँ पे बना लिया अब हम ये वाला बनाएंगे इस डिज़ाइन में अभी स्क्वायर्स काउंट कीजिए दिस इज स्क्वायर नंबर वन दिस इज स्क्वायर नंबर टू थ्री ये वाला और ये वाला आधा आधा मिला के बन गया स्क्वायर नंबर फोर दिस एंड दिस टोटल इज स्क्वायर नंबर फाइव ये आधा और ये आधा मिलके बन गया स्क्वायर नंबर सिक्स टोटल स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया वाला डिजाइन हमने यहाँ पे बना लिया चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में है चार बच्चे सानिया आरुषि मानव और कबीर ये सभी ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहे हैं और ग्रीटिंग कार्ड्स हम ऐसे बनाते हैं रेक्टेंगल साइज में कभी कभी स्क्वायर में भी बना लेते हैं तो इसका लेंथ और व्रथ का कुछ कुछ मेजरमेंट हमें दिया हुआ है और बाकी जो जगह खाली है हमें उन जगह का फाइंड आउट करना है मीन्स सनिया का लेंथ और विर्थ दिया है हमें पेरीमीटर और एरिया निकालना है मानव का लेंथ और पेरीमीटर दिया है हमें उसके ग्रीटिंग कार्ड का ब्रेथ और एरिया निकालना है आरुषि का ग्रीटिंग कार्ड का विर्थ और एरिया दिया है हमें पेरीमीटर और लेंथ निकालना है और कबीर के ग्रीटिंग कार्ड का लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालना है सिर्फ पेरीमीटर और एरिया दिया हुआ है सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न सम न्यू सबसे पहले सन्या के ग्रीटिंग कार्ड हमारे पास गिवन क्या क्या इंफॉर्मेशन है लेंथ 10 सेंटीमीटर का है वेथ 8 सेंटीमीटर का है और हमें निकालना क्या है एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है अब एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है टू टाइम्स लेंथ प्लस टू टाइम्स ब्रेथ इसको हम पुटअप कर लेते हैं लेंथ हमारे पास दिया हुआ है टेन सेंटीमीटर टू मल्टीप्लाई बाई टेन ब्रेथ हमारे पास दिया हुआ है एट सेंटीमीटर टू मल्टीप्लाई बाई एट टू टेन ज़ा ट्वेंटी एंड टू एट ज़ा सिक्सटीन ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन इज थर्टी सिक्स सो पेरीमीटर ऑफ सन्यास ग्रीटिंग कार्ड इज थर्टी सिक्स सेंटीमीटर अब हम एरिया निकालते हैं एरिया क्या है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मतलब कि टेन मल्टीप्लाई बाई एट टेन एट एटी सो एरिया ऑफ सनिया ग्रीटिंग कार्ड इज एटी स्क्वायर सेंटीमीटर नेक्स्ट है हमारे पास मानव का ग्रीटिंग कार्ड मानव की ग्रीटिंग कार्ड का लेंथ है इलेवन सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर गिवन है फोर्टी फोर सेंटीमीटर हमें निकालना है ब्रेथ और एरिया तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है टू टाइम्स लेंथ प्लस टू टाइम्स ब्रेथ अब ये फॉर्मूला हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इससे हमें ब्रेथ निकालना है सबसे पहले पेरीमीटर हमें दिया हुआ है गिवन है लेंथ भी हमारे पास गिवन है हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर ये बी ब्रेथ निकाल लेंगे तो लिखते हैं पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर इक्वल टू लेंथ की जगह पे 11 लिख देते हैं और टू टाइम्स ब्रेथ एज इट इज वी आर राइटिंग टू मल्टीप्लाई इज ट्वेंटी सेंटीमीटर तो हम ये निकाल सकते हैं ना 44 से हम ये 22 सेंटीमीटर कर देंगे सब्ट्रैक्ट 44 सेंटीमीटर माइनस ट्वेंटी टू सेंटीमीटर इज टू टाइम्स ब्रेथ दो बार ब्रेथ अगर 22 सेंटीमीटर आता है 44 फोर माइनस ट्वेंटी टू ही होता है तो टू टाइम्स ब्रेथ अगर 22 है तो वन टाइम्स ब्रेथ कितना होगा 22 टू डिवाइडेड बाई टू अब टू वन ज टू टू इलेवन जा ट्वेंटी टू तो ब्रेथ हमारे पास आ गया ब्रेथ मतलब विथ विथ है इलेवन सेंटीमीटर अब इस विथ का और इस लेंथ का इस्तेमाल करके लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके हम एरिया निकालेंगे एरिया इज एल मल्टीप्लाई बाय बी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ तो लेंथ हमारे पास 11 तो दिया हुआ है ब्रेथ भी हमने निकाल लिया 11, सो so, 11 That is 121 square answer. चलते हैं हम आरुषि के greeting card की तरफ। हमारे पास given क्या क्या information है? है है दिया दिया हुआ है, 8 का area दिया है, 80 square हमें आउट करना है और फिर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है एरिया से हम क्या निकाल सकते हैं लेंथ क्योंकि एरिया तो हमारे पास दिया है किसी भी फॉर्मूले का अगर सिर्फ एक चीज हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले देखना है कि बाकी चीजें हमें दी हुई है कि नहीं तो उससे हमें कैलकुलेशन में इजी होता है जैसे एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ तो हमें एरिया दिया हुआ है एट्टी ये एक दिया हुआ है लेंथ हमें निकालना है ब्रेथ भी हमें दिया हुआ है एट सेंटीमीटर तो हम लेंथ आराम से निकाल सकते हैं सो लेट अस राइट एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ ब्रेथ के जगह पे भी हम एट सेंटीमीटर लिख लेते हैं अब हम लेंथ को आराम से निकाल सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई एट एट वन जा एट एट टेन जा एट्टी सो लेंथ ऑफ आरुषीज ग्रीटिंग कार्ड इज टेन सेंटीमीटर अब हम इस 10 का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे अप करके पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला है टू टाइम्स लेंथ प्लस टू टाइम्स ब्रेथ तो चलिए निकालते हैं टू टाइम्स लेंथ टेन हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला टू टाइम्स लेंथ लगा के उसको ब्रैकेट डाल दो प्लस टू टाइम्स हम ब्रेथ लिखेंगे ब्रेथ भी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एट तो लिख देते हैं एट कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू टू टेंजा ट्वेंटी सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखेंगे तो भी चलेगा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा बस लास्ट में लिखना जरूरी है प्लस लगाएंगे ब्रैकेट एट टू जिक्सटीन सेंटीमीटर ऐड करो ट्वेंटी प्लस थर्टी सिक्स सेंटीमीटर ये क्या निकाला हमने पेरीमीटर निकाला पेरीमीटर ऑफ़ ऑफर ग्रीटिंग कार्ड इज थर्टी सिक्स सेंटीमीटर आंसर तो इस तरीके से हमने दोनों चीजें निकाल ली चलते हैं लास्ट कबीर के ग्रीटिंग कार्ड की तरफ कबीर के ग्रीटिंग कार्ड का पेरीमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर एरिया गिवन है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें निकालना है लेंथ और ब्रेथ अब देखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या-क्या निकाल सकते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ और एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ अब अभी हमने हमने क्या देखा किसी भी फॉर्मूले में अगर कोई एक चीज हमें निकालनी है तो बाकी दोनों चीजें होनी चाहिए अगर लेंथ निकालना है तो एरिया और ब्रेथ गिवन हुआ होना चाहिए एरिया तो है लेकिन ब्रेथ तो है ही नहीं तो ये फॉर्मूला हम अभी नहीं लगा सकते पेरीमीटर के लिए भी पेरीमीटर तो दिया हुआ है फोर्टी लेकिन लेंथ और ब्रेथ दोनों ही मिसिंग है अब हम क्या करेंगे मतलब कि ये कोई पजल वाला क्वेश्चन है सो लेटस ट्राई टू राइट इस वाले फॉर्मूले में अगर हम लेंथ प्लस ब्रेथ निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे 40 को डिवाइड कर देंगे 2 से 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 वन ज़ा टू टू ट्वेंटी ज़ा फोर्टी मतलब कि लेंथ और ब्रेथ को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर आएगा और लेंथ और ब्रेथ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई करने पे हंड्रेड आता है और ऐड करने पे ट्वेंटी हु, सोचिए तो बताइए तो कौन से दो नंबर पजल क्वेश्चन है ये तो ऐसे दो नंबर है टेन टेन प्लस टेन होता है ट्वेंटी और टेन मल्टीप्लाई बाई टेन होता है हंड्रेड है कि नहीं सो वी कैन से दैट आवर लेंथ इज टेन सेंटीमीटर एंड आवर ब्रेथ इज ऑल्सो टेन सेंटीमीटर है ना कितना पजल वाला क्वेश्चन तो अभी अभी हमने जो चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीखे उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले अगर हमारे पास किसी स्क्वायर का एरिया निकालना है तो साइड मल्टीप्लाई बाई साइड कर लेंगे इजी है रेक्टेंगल दिया हुआ है एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ करेंगे अच्छा उसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास एरिया दिया है ब्रेथ दिया है हमें लेंथ फाइंड करना है तो हम कैसे निकालेंगे एरिया को डिवाइड कर देंगे ब्रेथ से लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ उसी टाइप के क्वेश्चन में अगर एरिया दिया है लेंथ दिया है हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ अगर सेम टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास एरिया नहीं पेरीमीटर दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ अर रेक्टेंगल पूछ रहे हैं लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे टू टाइम्स लेंथ करेंगे टू टाइम्स ब्रेथ करेंगे और उनको एड कर लेंगे सेम टाइप के क्वेश्चन में अगर पेरीमीटर दिया हुआ है ब्रेथ हमें दिया हुआ है हमें लेंथ फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे पेरीमीटर को ऊपर लिखेंगे फिर हम सब करेंगे टू टाइम्स ब्रेथ और फिर टू से डिवाइड करेंगे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज पेरीमीटर माइनस टू मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ डिवाइडेड बाई टू ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा और इसके पीछे क्या लॉजिक है ये फॉर्मूला निकला कैसे वो तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया सेम टाइप के क्वेश्चन में अगर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल दिया हुआ है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको ब्रेथ निकालने को पूछा है वॉट इज द ब्रेथ तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पेरीमीटर माइनस टू टाइम्स लेंथ और फिर डिवाइडेड बाई टू दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वी हैव लर्न सो फार तो हमारा पार्ट टू वीडियो इससे और ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसीलिए हम इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं आगे का चैप्टर हम अपने पार्ट थ्री वीडियो में कवर करेंगे जिसमें आपको और भी एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सीखने को मिलेंगे सो स्टे टून वी विल मीट वेरी सून विथ आवर नेक्स्ट पार्ट टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल मिंट टॉक इंडिया फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज